गणेश जी की मूर्ति खरीदने से पहले रखें ध्यान। मूर्ति खरीदने से पहले बरतें खास सावधानी। अगर नहीं जाना तरीका तो होगा नुकसान। दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस बार 24 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। दिवाली के पावन पर्व पर शाम को शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां धनतेरस को ही खरीद ली जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जो लोग धनतेरस पर खरीदी गई गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियों का दीपावली की रात पूजा करते हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दिवाली में गणेश लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं दिवाली के दौरान लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें। श्री लक्ष्मी गणेश की कभी भी एक साथ जुड़ी हुई मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। पूजा घर में रखने के लिए लक्ष्मी और गणेश की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए। श्री गणेश की मूर्ति में उनकी सूंड बाएं की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड शुभ नहीं होती। मूर्ति खरीदते समय हमेशा श्री गणेश के हाथ में मोदक वाली मूर्ति खरीदें। ऐसी मूर्ति सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। श्री गणेश जी की मूर्ति में उनके वाहन मूषक की उपस्थिति अनिवार्य है। अब आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति के बारे में बताते हैं। मां लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति ना खरीदें जिसमें मां लक्ष्मी उल्लू पर विराजमान हो। ऐसी मूर्ति को काली लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी माता की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए जिसमें वो कमल पर विराजमान हो, उनका हाथ वर मुद्रा में हो और धन की वर्षा करता हो। कभी भी लक्ष्मी मां की ऐसी मूर्ति ना लेकर आए जिसमें वो खड़ी हो। ऐसी मूर्ति लक्ष्मी मां के जाने का प्रतीक मानी जाती है। भगवान गणेश लाल एवं श्वेत वर्ण के रूप में हैं और दूसरी तरफ मिट्टी का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है। मिट्टी से बनी मूर्ति के पूजन का विधान हमारे धर्म शास्त्रों में भी मिलता है। यदि मिट्टी गंगा जी, तालाब, कुएं या गौशाला से लाकर भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाई जाए और फिर उनकी पूजा अर्चना की जाए तो अत्यंत लाभकारी होता है। हालांकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का जिक्र हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता। सोने की मूर्ति का पूजन किया जा सकता है।